नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के ही खिलाफ खड़े हुए उसके किराए के लड़ाके वैगनर ग्रुप ने विद्रोह कर दी रूसी नेतृत्व को हटाने की धमकी। बगावत के बाद वैगनर ग्रुप चीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, येवगेनी को हो सकती है 20 साल की जेल। रूस में गृह युद्ध के हालात। वैगनर ग्रुप और रूसी सेना में तनाव से तख्तापलट की आशंका। मास्को की सड़कों पर उतारे गए टैंक, सुरक्षा की गई कड़ी। कानपुर IIT ने क्लाउड सीडिंग से कराई कृत्रिम बारिश। कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया गया योजना का नेतृत्व। DGCA की अनुमति से 5000 फीट की ऊंचाई पर हुआ परीक्षण। कई सालों से योजना पर चल रहा था काम, कोरोना की वजह से हुई देरी। यात्रा के अंतिम दिन PM मोदी से मिले कई अमेरिकी उद्योगपति। भारत में नौकरियों के सृजन को उत्साहित दिखे गूगल, अमेजन और बोइंग। गुजरात की गिफ्ट सिटी में $10 अरब का निवेश करेगी गूगल। PM मोदी से मिलकर सुंदर पिचाई ने खोला खजाने का मुंह। अमेरिका के रीगन सेंटर में प्रवासी भारतीयों से बोले PM मोदी, का अब अमेरिका में ही रिन्यू हो जाएगा H-1B वीजा। अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में होगी तमिल चेयर की स्थापना। PM मोदी बोले, तमिल संस्कृति को दुनिया भर में मिलेगा बढ़ावा। अमेरिका की यात्रा पूरी होने के बाद PM मोदी मिस्र के लिए रवाना। PM मोदी बोले, इस यात्रा से बने भारत अमेरिका के बीच ऐतिहासिक संबंध। WTO में 6 व्यापार विवादों को समाप्त करेंगे भारत और अमेरिका। 28 अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी सीमा शुल्क हटाएगा भारत। उत्तर भारत की ओर से तेजी से बढ़ने लगा मानसून। अगले 2 दिनों में यूपी में बूंदाबांदी नहीं, होगी झमाझम बारिश। दिल्ली NCR में भी जल्द लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। 25 जून से लेकर 27 जून तक झमाझम बारिश की संभावना। सोमवार और मंगलवार को मुंबई और विदर्भ में होगी भारी बारिश। मानसून के सक्रिय होने पर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ओडिशा, असम, बंगाल, सिक्किम में भी बारिश के आसार। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र और अंडमान में मध्यम बारिश की उम्मीद। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर। 16 जिलों के करीब 5 लाख लोग प्रभावित, 1 की गई जान। जम्मू दौरे के समय गृहमंत्री अमित शाह का यूपीए सरकार पर बड़ा आरोप। बोले, संपर्क सरकार 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले में थी शामिल। दिल्ली में अगले साल से दिन के समय अलग अलग होगी बिजली की दर। TOD योजना के उपभोक्ताओं का 20% तक कमाएगा बिल। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आज। हिंसाग्रस्त मणिपुर में शांति बहाली करने के उपायों पर होगी चर्चा। जलवायु परिवर्तन के कारण यूपी में बढ़ गया लू का खतरा। अध्ययन में आने वाले सालों में जानलेवा तपिश की आशंका हुई दोगुनी। भाजपा को हराने के लिए हर माह किसी एक राज्य में जुटेंगे विपक्षी नेता। पार्टियों ने खुद को सशक्त विकल्प के तौर पर पेश करने की बनाई रणनीति। पटना के बाद 12 जुलाई को शिमला में होगी विपक्षी दलों की बैठक। भाजपा को हराने के लिए तय होगी आगे की रणनीति। अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल के अड़ने से विपक्षी एकता को झटका। आपने किया ऐलान, जहां जाएगी कांग्रेस वहां नहीं जाएंगे हम। विपक्षी दलों की बैठक पर गृहमंत्री शाह और JP नड्डा का वार। बोले, इंदिरा ने जिन्हें जेल में डाला वे कांग्रेस के साथ कर रहे हैं गलबहियां। 1 जुलाई से लखनऊ से उड़ान भरना हो जाएगा महंगा। घरेलू उड़ानों के 750 और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के 1350 बढ़ेंगे दाम। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष का पलटवार। मरकाम बोले, नड्डा जी हिमाचल नहीं बचा पाए, छत्तीसगढ़ क्या जीतेंगे। रिपोर्ट के अनुसार मुश्किल वक्त के लिए तैयार नहीं 75% भारतीय। नौकरी गई तो महीना चलाना होगा मुश्किल, कम हुई सेविंग की दर। धर्मांतरण के मामलों में बिना शिकायत के कार्रवाई नहीं कर सकती पुलिस। आर्कबिशप और नन की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। भागलपुर के बाद अब किशनगंज में पुल का पाया धसने से हड़कंप। नदी में बेहद कम पानी होने के बावजूद हुई घटना, रुका काम। CM योगी की राह पर हरियाणा की खट्टर सरकार। नूह में बदमाशों के मकान पर चलाया बुलडोजर, अवैध संपत्ति जमींदोज। UP के सहकारिता चुनाव में सपा का हो गया सफाया। बसपा कांग्रेस का भी नहीं खुला खाता, BJP ने किया क्लीन स्वीप। तेलंगाना की KCR सरकार ने बदल दी संविधान की प्रस्तावना। कक्षा 10 की किताबों से हटाया सोशलिस्ट और सेकुलर जैसे सब। नियमों के उल्लंघन पर रिजर्व बैंक ने 3 बड़े बैंकों पर लगाया जुर्माना। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक्सिस बैंक का नाम शामिल। उड़ीसा में सरकारी अधिकारी के आवासों पर छापेमारी। प्रशांत कुमार राउत के घर से 3 करोड़ की नकदी बरामद। कोविड वैक्सीन लेने वाले लोगों का डाटा पाया गया सुरक्षित। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद कहा, डाउनलोड नहीं हुआ डाटा। फाइलेरिया को लेकर 8 राज्यों में स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश, जब तक नहीं खा लेते दवा तब तक ना छोड़ें घर। तलाक के बाद भी गुजारा भत्ता मांग सकती है मुस्लिम महिला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पति के रिश्तेदारों के साथ विवाद पर सुनाया फैसला। विस्थापन के कारण विश्व में 4 करोड़ बच्चों को छोड़ना पड़ा घर। यूनिसेफ ने यूक्रेन युद्ध, हिंसा और संघर्ष को बताया बड़ा कारण। ICMR की रिपोर्ट में विश्व भर में 53 करोड़ मधुमेह के शिकार। 2050 तक चपेट में होंगे 130 करोड़ से ज्यादा लोग। कर्नाटक के चावल विवाद पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का हमला। सिर्फ राजनीति के कारण केंद्र ने सप्लाई से किया इनकार।
विधायक आदित्य ठाकरे के करीबी परिजनों का एक्शन, बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले में सूरज चाबा को समन। कोयंबटूर की पहली महिला बस ड्राइवर ने छोड़ी नौकरी, सांसद कानिमोझी का टिकट काटने को लेकर हुआ था विवाद। गुजरात के जामनगर में इमारत ढहने से 3 की गई जान, 30 साल पुरानी इमारत के नीचे दबने से 5 के घायल होने की खबर। खर्च में फिसड्डी रहे उत्तराखंड के 29 विभागों ने जारी नहीं किया बजट, रिपोर्ट के अनुसार पहली तिमाही में बेहद सुस्त रही खर्च की रफ्तार। बहराइच के मटेरा बाजार प्राचीन मंदिर में भव्य रामकथा का आयोजन, आचार्य प्रदीप पांडे के सानिध्य में व्यास मृदुल महाराज सुनाएंगे कथा। बिना पैसा दिया होटल से खाना पैक करा रहे पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, बिजनौर एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। कोरोना काल में रखे गए संविदा आउटसोर्स कर्मियों पर संकट, शासन ने 30 जून को सेवा समाप्ति का थमाया नोटिस, कर्मचारी परेशान। यूरोप के एम्स्टर्डम में भारतीय खाना परोसने के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, नए होटल की शुरुआत करने के बाद सोशल मीडिया पर शेयर किया फोटो। चेतेश्वर पुजारा को टीम में शामिल न करने पर भड़के सुनील गावस्कर, बोले हार के लिए एक खिलाड़ी को बलि का बकरा बनाना गलत परंपरा। बीसीसीआई ने आगामी एशियन गेम्स को लेकर किया बड़ा फैसला, अब भारतीय पुरुष और महिला दोनों ही टीमें जाएंगी चीन के हांगजू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।